क्यों तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने ये वीडियो देखी है और जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंस्टाग्राम रील्स मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई ना कोई वीडियो डेली वायरल होती ही रहती है, तो इसके लिए अब आपको करना क्या है, ये वीडियो आपको मैं इस वीडियो में पूरी समझा दूंगा कि आप कैसे बना सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं इसकी एसेसरीज की बात कर लेता हूँ। इसके लिए आपको चाहिए एक एडिटर ऐप, फिलहाल मैं यूज़ करूँगा काइन मास्टर। अगर आपको एडिटिंग की नॉलेज है तो आप कोई और एडिटर ऐप भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अब आपको प्रॉब्लम आएगी कि काइन मास्टर में वाटर मार्क आता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं आएगा। टेलीग्राम का चैनल का लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जैसे ही आप उस चैनल पे जाओगे तो आपको फर्स्ट में आना है। फर्स्ट में एक दो अपडेट के बाद आपको मेरा टेलीग्राम मतलब आपको मेरा काइन मास्टर का लिंक मिल जाएगा जो कि विदाउट वाटरमार्क होने वाला है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपको वीडियो बनानी कैसे है। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड कर लोगे उसके बाद आपको चाहिए एक अपनी फ़ोटो बचपन की। अगर आपके पास आपके बचपन की फ़ोटो नहीं है तो आप कहीं से भी कोई भी उठा के चिपका देना, फॉर एग्जाम्पल गूगल से या फिर इंस्टाग्राम से ही उठा के चिपका देना, किसको क्या पता चलने वाला है। तो अब आपको करना क्या, काइन मास्टर कर लेना है ओपन, और एक चाहिए आपको जवानी की फ़ोटो जिसमें आप स्मार्ट हो, जिसमें फिल्टर लगा रखा हो। तो जैसे ही काइन मास्टर ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको रेशियो सिलेक्ट करना होता है, हमेशा रेशियो सिलेक्ट करना है आपको 9:16 जिसमें रील्स की वीडियो बनती है। जैसे ये रेशियो आप सिलेक्ट कर लोगे तो आपको लेना है बैकग्राउंड, इमेजेस में आना है। आपका बैकग्राउंड दिखने वाला नहीं है, टेंशन नहीं लेना, किसी भी कलर का ले लेना और इसको कर लेना 8 से 10 सेकंड 12 सेकंड तक। और इसके बाद हमें करना क्या है, हमें लेयर पे जाना है। लेयर पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने मीडिया का ऑप्शन आएगा, मीडिया पे कर देना है क्लिक। अब आपको वो फ़ोटो लेना है जो आपके बचपन का है। हालांकि मेरे पास बचपन का फ़ोटो नहीं है लेकिन मैंने गूगल से उठा के यहाँ चिपका दिया है। मैं इस फ़ोटो कर लेता हूँ थोड़ा इस तरह से जूम, आप भी कुछ अच्छे से एडजस्ट कर लेना और कोशिश करना कि आप अपने बचपन के फ़ोटो में बहुत ही बकवास दिखाई दें। मजाक कर रहा हूँ, जैसा भी चल जाएगा। अब इसके बाद हमें करना क्या है, हमें एक ऑडियो लेनी है जो गन शॉट है, जिसमें मतलब गन शॉट की जो आवाज़ है मतलब जो भी आप समझ गए, उसका भी लिंक आपको टेलीग्राम में मिलेगा, रिसेंटली डाल रखा है मैंने, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। 3 डॉट मिलेंगे, म्यूज़िक जहाँ चल रहा होगा 3 डॉट पर क्लिक करके सेव म्यूज़िक आएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ यहीं से, और उसका टाइटल है क्यों, KYU क्यों। तो आप, मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, मेरे को फ़िलहाल पता नहीं है कहाँ मिलने वाला है, वो मिल गया। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये मेरे को मिल चुका है, और अब मेरे को एक छोटी सी ज़रूरत पड़ेगी अपने माइक को हटाने की, बिकॉज मैं म्यूज़िक नहीं सुन पाऊँगा, तो एडिटिंग ही नहीं कर पाऊँगा। तो गाइज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर कर देना, थोड़ी देर के लिए एडजस्ट कर लेना, अभी वीडियो एंड ही होने वाली है बस। हटा लिया है अपना माइक, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वीडियो एडिटिंग कैसे करेंगे आगे। पहले इस वीडियो को प्ले करके देखना है। क्यों? तो गाइज जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसे ही मतलब गन लोड हो रही है उसके बाद शूट हो रही है, वहाँ पे आपका आप फोटो आना चाहिए, तभी वीडियो अच्छी लगेगी। तो इसके लिए सिंपली करना है कि वीडियो को बार बार प्ले करना है और वहाँ पे उसी पार्ट पे रुक जाना है जहाँ पर मतलब गन रिलोड के बाद शूट हो रही है। क्यों? तो गाइज कुछ यहाँ पर मतलब जो वॉल्यूम है गन साउंड की, वो यहाँ पर हमें रुकना है। तो अभी सिंपली आपको म्यूज़िक लेयर पे क्लिक करना है और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रिम एंड स्प्लिट का। अगर आपको यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको सिंपली वॉल्यूम के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो गाइज अब मैं चला जाता हूँ ट्रिम एंड स्प्लिट पे और इसको ट्रिम एंड स्प्लिट करके स्प्लिट एट प्लेहेड कर देता हूँ। तो अब मेरे पास दो मतलब ये हो चुके हैं मतलब पार्ट ऑडियो के। अब फिलहाल मेरे को करना क्या है, जो मेरा फ़ोटो है बचपन वाला मतलब किसी का भी ये जो मैंने अपना बना लिया, अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से ट्रिम टू राइट। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे कैंची का ऑप्शन आएगा, कैंची के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, और ये कुछ इस तरह से मतलब आपकी फ़ोटो है आपकी रह जाएगी बस। अब आपको ओरिजिनल फ़ोटो लेनी है जो आपकी है, जो आप अभी 2021 में है। अब लेयर पे जाना है दोबारा और मीडिया में जाना है। मीडिया लेयर में जाने के बाद अब आपको वहाँ से अपनी फ़ोटो ढूंढ लेनी है, वो जहाँ पे भी आपकी फ़ोटो है जो आप इसमें मतलब डालना चाहते हैं। तो अभी मैं व्हाट्सएप इमेजेस में जाता हूँ। तो गाइज मैं ले लेता हूँ फ़ोटो, मैं इतना सुंदर तो नहीं हूँ लेकिन आप एडजस्ट कर लेना, मैं एडजस्ट कर रहा हूँ तो आपको भी करना चाहिए। अब फिलहाल मैं इस वीडियो को दोबारा प्ले करता हूँ। तो गाइज एकदम
छोटा सा ट्यूटोरियल है। अभी आप कहेंगे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है इसमें। अभी हमें सिंपली करना है कि अपना जो बैकग्राउंड और जो अपनी इमेज है उसको ट्रिम टू राइट कर देना है। बैकग्राउंड पे जाना है, ट्रिम टू राइट कर देना। हमारी वीडियो हो चुकी है इतनी रेडी, कंप्लीट नहीं हुई है। एनिमेशन और फिल्टर लगाने बाकी हैं जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। अभी हमें करना क्या है, अपने फ़ोटो पे क्लिक करना है। जैसे ही अपने फ़ोटो पे क्लिक करेंगे हम, उसके बाद इसको ब्लैक एंड वाइट कर देना है। वो कैसे होगा वो आप यहाँ पे अल्फा ओपेसिटी में भी आके कर सकते हैं कुछ इस तरह से, लेकिन ये तरीका आपको पसंद ना है तो आपको दोबारा आना है और कलर फिल्टर पे आ जाना है। बेसिक में आ सकते हैं आप, कुछ इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको पसंद आए आप किसी भी तरह कर लेना। इसके बाद हमें करना क्या है, इसमें एनिमेशन डालना है। मैं इसमें कुछ इन एनिमेशन डाल देता हूँ, इन एनिमेशन यहाँ पे फेड कर देता हूँ कुछ इस तरह से। पॉपअप भी कर सकता हूँ मैं, स्लाइड राइट भी कर सकता हूँ। हाँ स्लाइड राइट ठीक रहेगा। अब उसके बाद मैं दोबारा प्ले करता हूँ इसको। अब दोस्तों जो मतलब साउंड है यहाँ पे एकदम से मतलब कुछ एनिमेशन होना चाहिए हमारे फोटो के साथ, तो हमें अपने फोटो लेयर पे क्लिक करना है और इन एनिमेशन में आने के बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज थोड़ा बकवास लग रहा है, मैं ड्रॉप यूज़ करता हूँ। हाँ ड्रॉप एकदम मस्त लग रहा है, आप इसकी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं कुछ इस तरह से, लेकिन आप स्पीड मत बढ़ाना ज़्यादा भी बकवास लगेगी, तो कुछ इस तरह से। अब मैं इसको प्ले कर लेता हूँ दोबारा से। क्यों तो गाइस कुछ इस तरह से वीडियो हमारी हो चुकी है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो इसको कर देना लाइक, और साथ साथ चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज ऐसी ऐसी ट्रेंडिंग वीडियोज़ के ट्यूटोरियल मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो थैंक यू गाइज़।